हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है साग और मक्की की रोटी बनाना। तो आइए बनाते हैं देसी स्टाइल में चूल्हे पर साग और मक्की की रोटी। सरसों का साग बनाने के लिए ये हमने एक गुच्छी सरसों का साग लिया है। इसको हमने साफ कर लिया है, बिल्कुल अच्छे से साफ किया है हमने साग को। और ये हमने एक छोटी गुच्छी पालक की ली है, इसके पत्ते हमने साफ कर लिए हैं। एक मुट्ठी हमने मेथी ली है और ये हमने बथुआ लिया है, दो मुट्ठी के आसपास हमने बथुआ लिया है। अब हम इनको कट कर लेंगे। ये दरात के साथ कट करूंगी मैं, चाकू के साथ नहीं कट करूंगी इसको। बिल्कुल देसी स्टाइल में हम कट करेंगे। और बिल्कुल देसी स्टाइल में हम चूल्हे पर बनाकर तैयार करेंगे हम। ये हमारी सरसों कट चुकी है, अब मैं पालक को कट करूंगी। ये मैंने पालक ली है, पालक को भी इसी प्रकार से मैं कट कर लूंगी। इसी प्रकार से मैं अपनी पालक को भी कट कर लूंगी। ये हमारा पालक भी कट हो चुका है, अब मैं बथुआ और मेथी को एक साथ ही कट कर लूंगी। और ये हमारा सारा साग कटकर तैयार हो चुका है। साग को कुकर के अंदर डाल दूंगी। ये साग को मैंने अच्छे से धोकर पानी को अच्छे से सुखा लिया था इसका। ये कुल साग हमारा 1.5 किलो के आसपास है। अब इसको ना बंद करके मैं तो सीटी, अब मैं इसको बंद करके सीटी लगा लूंगी। ये एक गिलास में इसमें पानी डाल रही हूँ, मैं कुकर को बंद कर रही हूँ और इसे मैं चूल्हे पे रखूंगी और इसमें 4 से 5 सीटियां लगा। ये मैंने चूल्हे में आग जला ली है और अब मैं कुकर को चूल्हे पे रख दूंगी और 4 से 5 सीटी इसमें आने दूंगी। ये हमारे कुकर में 4 से 5 सीटी आ चुकी है। कुकर को हम चूल्हे से नीचे उतार देंगे। अब हम साग का तड़का तैयार कर लेते हैं। जितने हमारी कुकर की सीटी निकलती है तब तक हम साग का तड़का तैयार करेंगे। ये मैंने कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख दिया है। तड़के के लिए 10 से 15 लहसुन की कलियां ली हैं, इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। 4 मैंने सूखी लाल मिर्ची ली है और 2 बड़ा अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको भी चॉपर में चॉप कर लिया है। 5 से 6 मैंने हरी मिर्च ली है, इसको भी चॉपर में चॉप कर लिया है। 2 मैंने बड़े प्याज लिए हैं, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। 3 मैंने टमाटर लिए हैं, इसको भी चॉपर में चॉप कर लिया है। तो आइए बनाते हैं साग का तड़का। अब मैं कढ़ाई के अंदर सरसों का ऑयल डालूंगी। आप चाहे घी या रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ सरसों का तेल का इस्तेमाल करूंगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें ये साबुत लाल मिर्ची डाल दूंगी। और साथ ही मैं इसमें लहसुन डाल दूंगी। लहसुन हमारा भून चुका है, अब मैं प्याज डाल दूंगी इसमें। और इसे भी मैं भून लूंगी, प्याज को भी अच्छे से भून लूंगी। ये हमारे प्याज भून चुके हैं, अब मैं इसमें ये टमाटर डाल दूंगी। नमक डाल दूंगी, मैं इसमें मसाले के हिसाब से नमक डाल दूंगी क्योंकि मैंने अभी साग में भी नमक नहीं डाला है, साग के अंदर भी मुझे नमक डालना है। मिक्स कर लूंगी अच्छे से। और ये हमारा मसाला
भूनकर तैयार हो चुका है। ये मसाला हमारा भून चुका है। अब मैं इसमें ये अदरक डालूंगी और साथ में ये हरी मिर्च भी डालूंगी मैं, और इसे मैं थोड़ा सा और भून लूंगी। अब मैं कुकर के साफ को चेक कर लेती हूँ। गल चुका है, देखो बढ़िया से गला है साथ। और अब मैं इसे गम दूंगी साथ को, बिल्कुल देसी स्टाइल में ही मैं इसे गमूंगी। मैं इसमें ग्राइंडर से नहीं, मैं गमने से वाले से इसे गमूंगी साथ को। और ये साग हमारा अच्छे से गम चुका है। अब मैं इसमें ये मक्की का आटा डालूंगी। ये मैंने एक कड़छी मक्की का आटा लिया है और इसे भी मैं मिक्स कर लूंगी अच्छे से। हमारा अच्छे से गम चुका है। अब मैं इसको निकाल लूंगी। इधर हमारा ये मसाला बनकर तैयार हो चुका है और अब मैं साग को पकने के लिए फिर से कुकर को मैंने चूल्हे पे रख दिया है और इसे मैं पका लूंगी, क्योंकि मैंने इसमें मक्की का आटा डाला है जो कि वो आटा भी कच्चा होगा। अब मैं इसे पकने दूंगी। अब मैं कड़छी की मदद से इस साग को हिलाऊंगी। इसे मैं 10 से 15 मिनट इसी प्रकार से पकने दूंगी साग को। ये हमारा साग देखो कितने अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। मैं अब इसमें नमक डालूंगी, के अंदर नमक नहीं डाला है अभी। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी साग के अंदर, इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। देखो कितने अच्छे से बना है हमारा साग। अब मैं ये साग के अंदर मसाला डाल दूंगी, मसाले को अच्छे से मिक्स कर दूंगी साग के अंदर। और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है हमारे साग की। देसी स्टाइल में हमने साग बनाकर तैयार किया है और ये हमारा साग बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं साग को चूल्हे से नीचे उतार दूंगी और मक्की की रोटी बनाने की तैयारी करती हूँ। अब मैं ये हमने मक्की का आटा लिया है। अब मैं आटे को गूंद लूंगी। मैंने गर्म पानी लिया है, ये गुनगुना गर्म पानी लिया है। और आटे को मैं एक साइड में कर दूंगी आधे आटे को, और आधे को मैं हाथ से अच्छे से मल लूंगी। आटा अच्छे से मलेंगे उतनी ही रोटी हमारी अच्छी आएगी। और ये हमारा आटा गूंदकर तैयार हो चुका है। ये मैंने तवे को गैस पे, तवे को चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम एक आटे का पेड़ा बनाएंगे। और हाथ पे थोड़ा सा पानी लगाऊंगी मैं और इसे रोटी बनाकर तैयार करूंगी। और ये हमारी रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे तवे पे डालूंगी। ये देखो इतनी गोल रोटी बनकर तैयार हुई है हमारी मक्की की। अब हम रोटी की साइड चेंज करेंगे, दूसरी रोटी भी बनाकर तैयार करते हैं। फिर से हाथ पे पानी लगाएंगे हम। रोटी भी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे मैं निकाल लेती हूँ, इस रोटी को मैं डाल दूंगी
को चूल्हे के अंदर सेकूंगी। हमारी रोटी कितनी अच्छे से सीख कर तैयार हुई। प्लेट में रख लूंगी रोटी को। अब मैं दूसरी रोटी की साइड चेंज कर दूंगी। अब मैं इस रोटी को भी सेक लूंगी और ये रोटी भी हमारी सीख कर तैयार हो चुकी है। अब ये हमारा बिल्कुल देसी स्टाइल में मक्के की रोटी और साग बनकर तैयार हो चुका है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।